Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So in today's video we are going to discuss the topic trademark law. So हम trademark start कर रहे हैं. हमने अभी तक copyright जो था वो पूरा कर लिया है. So ये जो है again subject intellectual property rights ही है हमारा, और हम बहुत ही simple language में well explain, अच्छे से explain करेंगे सारे topics को आपको, ठीक है. So we are going to cover trademark का meaning and trademark act 1999. मीनिंग पर्पज हिस्ट्री वी आर गोइंग टू कवर, टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, यूजेस ऑफ राइट्स कवर करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से विद एग्जांपल्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो इंट्रोडक्शन टू ट्रेडमार्क लॉ. ट्रेडमार्क लॉ होता क्या है, मतलब हमें कॉपीराइट का पता था कि उसमें क्या क्या आता है. ट्रेडमार्क को समझ लेते हैं कि कोई भी साइन होता है, सिम्बल होता है, यानी कि किसी कंपनी की, किसी फर्म की, किसी ब्रांड की पहचान, उसका लोगो हो गया, किसी बिजनेस की आइडेंटिटी, ठीक है, या फिर किसी गुड्स और सर्विसेज की कोई पहचान, तो उसको जो मार्केट प्लेस में उसको बताती है कि ये चीज है, तो उसे हम ट्रेडमार्क के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है. ट्रेडमार्क अलग अलग तरीके के होते हैं, वर्ड्स में हो सकते हैं, लोगोज में हो सकते हैं, सिंबल्स में हो सकते हैं, स्लोगन्स में भी हो सकते हैं, और साउंड और कलर्स में भी हो सकती है. ये सब चीजें ट्रेडमार्क के अंदर प्रोटेक्ट हो सकती है. सारे वर्क जिसका मैंने नाम लिया है, दे शुड बी यूनिक, आइडेंटिकल होने चाहिए कि वो सिर्फ उस कंपनी से ही बिलोंग करते हो, किसी और से बिलोंग ना करते हो. जैसे इंट्रोडक्शन टू ट्रेडमार्क लॉ में हम समझते हैं ट्रेडमार्क का पर्पस क्या है. ट्रेडमार्क का प्राइमरी पर्पस है कि कंज्यूमर को ना एक रिलायबल आइडेंटिटी जो उन्हें अपने बिजनेस की उन्होंने रखी है ना, उसको सेफ रखे. द प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रेडमार्क इज टू प्रोवाइड कंज्यूमर विद रिलायबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. फॉर बिजनेस ट्रेडमार्क आर इनवैल्यूएबल एसेट्स दैट हेल्प टू बिल्ड ब्रांड रिकॉग्निशन. तो बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेडमार्क, एक ब्रांड रिकॉग्निशन बनाता है. कोई पर्सन अपना कोई लोगो बना ले फॉर इंस्टेंस, अब वो लोगो तो कोई भी कॉपी कर सकता है, अगर ट्रेडमार्क लॉ ना हो, लोगो प्रोटेक्टेड ना हो, तो उसकी गुडविल कॉपी कर लेगा. लोगो कॉपी करने का क्या मतलब है, कोई गुडविल कॉपी कर सकता है. किसी शॉप ने एक लोगो बनाया अपना कि ये उसका रेस्टोरेंट है, ये उसका लोगो है, ठीक है, और अब वो लोगो मतलब जब वो शॉप फेमस हो गई, वो किसी और ने उसे कॉपी कर लिया, और लोग उससे क्या हो रहे हैं कि दूसरी तरफ भी जा रहे हैं, चाहे वो भी सेम शॉप होगी, उन्हें ये लग रहा है, तो उससे उसकी गुडविल ऑब्वियसली उस पर हार्म हुआ, कोई और प्रॉफिट ले रहा है उसका. तो अगर वो जब ट्रेडमार्क के अंदर प्रोटेक्ट होगा तो ऐसे कोई कॉपी नहीं कर सकता उस चीज को. तो एक बिजनेस की ना क्या सेव कर रहा है, ब्रांड रिकॉग्निशन, लॉयल्टी और ट्रस्ट होता है, उसे सेव करा जा रहा है. देन ट्रेडमार्क राइट्स टिपिकली अराइज थ्रू एक्चुअल यूज ऑफ द ट्रेडमार्क इन कॉमर्स, मीनिंग दैट वंस अ बिजनेस स्टार्ट्स यूजिंग ट्रेडमार्क इन कनेक्शन विद इट्स गुड्स एंड सर्विसेज. एक बिजनेस ट्रेडमार्क किस चीज के लिए करता है, अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए करता है ना, उनको आगे बेचने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए. सो उसके पास ना एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाते हैं उस ट्रेडमार्क से रिलेटेड, ठीक है, अपने उस पर्टिकुलर मार्केट और इंडस्ट्री के अंदर. तो बाकी क्या, ट्रेडमार्क जो है वो स्ट्रेंथन और प्रोटेक्ट करता है, ट्रेडमार्क राइट्स होते हैं उनको, और बिजनेस ऑफन चूज टू रजिस्टर देयर मार्क्स, मतलब कि जब बिजनेस जो है वो ट्रेडमार्क चूज करते हैं, एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाके वो चूज किया जाता है, कोई अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस USPTO इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसके पास जाके रजिस्टर करते हैं ट्रेडमार्क. तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स, अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स ऑफर करते हैं ट्रेडमार्क, नेशनल वाइड प्रोटेक्शन करती है, और बहुत सारी चीजें होती है साथ में, राइट्स होते हैं जो ट्रेडमार्क देती भी है, और काम मतलब जो लोगोज हो गए, जो आइडेंटिटीज हो गई, उन्हें प्रोटेक्ट करती है. बहुत सारे फायदे होते हैं बेसिकली ट्रेडमार्क के, अगर उसके अंडर रजिस्ट्रेशन कराओ तो. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी आपके पास, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पड़ेगी, अथॉरिटी पड़ेगी, उसके पास जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा. देन कम्स ट्रेडमार्क लॉ इन इंडिया. बिफोर 1940 कोई भी ट्रेडमार्क जैसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था. जो भी इंफ्रेंचमेंट इश्यूज होते थे वो रिजॉल्व होते थे सेक्शन 54, वो भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर 1877 में. देन मतलब 1877 का एक्ट था. देन रजिस्ट्रेशन जो है वो होता था इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में. फिर 1940 के बाद से ट्रेडमार्क लॉ जो है वो इन्फोर्स हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब ये एड्रेस हुआ था कि इन्फ्रेंचमेंट के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. इन्फ्रेंचमेंट मतलब कि लोग किसी का लोगो, किसी की कोई चीज, किसी की कोई चीज, बिजनेस की आइडेंटिटीज जो है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो अच्छी आइडेंटिटीज बनाई है उसे कॉपी कर रहे हैं,
वो इन्फ्रेंचमेंट में आ जाता है, तो इसलिए इश्यूज बढ़े थे तो ट्रेडमार्क लॉ आया था। फिर उसके बाद इन डिमांड इंक्रीज हुई थी ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन की, क्योंकि ये केसेस बहुत ज्यादा आ गए थे एंड ड्यू टू ग्रोथ इन ट्रेडमार्क एंड कॉमर्स। देन 1958 में ट्रेडमार्क एंड मर्चेंडाइज एक्ट ने रिप्लेस किया था प्रीवियस लॉ को और एम किया था प्रोवाइडिंग बेटर प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड, फ्रॉड्स जो है उनको प्रिवेंट करने के लिए। उनका एम था कि जो फ्रॉड हो रहे हैं वो अब दूर हो जाए, वो अब हट जाए और प्रोटेक्शन बेटर प्रोवाइड करे। अब इंट्रोड्यूस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव यूज राइट्स, यानी कि लोग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने लग गए थे क्योंकि उनको बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम राइट्स मिलने लग गए थे, कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स मिलने लग गए थे जिनका फायदा वो उठा सकते थे आफ्टर रजिस्ट्रिंग द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क लॉ इन इंडिया 1999, ट्रेडमार्क एक्ट ने एक्ट रिप्लेस द 1958 एक्ट, जो ट्रेडमार्क एक्ट ने जो है 1958 के एक्ट को रिप्लेस कर दिया था कंप्लाई विद ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, सो इसमें एम क्या था? एम था टू ग्रांट प्रोटेक्शन टू ट्रेडमार्क यूजर्स, कि ट्रेडमार्क यूजर्स को प्रोटेक्शन ग्रांट हो और भी अच्छे तरीके से, और उनको लीगल रेमेडीज मिले, उनके साथ जो भी गलत हुआ उसको सुधारा जाए। देन प्रोवाइड्स पुलिस अथॉरिटी टू अरेस्ट इन ट्रेडमार्क, अगर किसी ने कुछ गलत किया ट्रेडमार्क के अंदर तो पुलिस अथॉरिटी उसे अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, इन्फ्रेंचमेंट केसेस के अंदर स्पेशली। ठीक है, डिफाइन इन्फ्रेंचमेंट एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट्स, पनिशमेंट्स आए थे, पेनल्टीज आए थे इन्फ्रेंचमेंट के ऊपर, और रजिस्ट्रेशन की जो ड्यूरेशन थी वो एक्सटेंड हुई थी, उसके अंदर इंक्लूड हुआ था नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क्स भी, यानी कि ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, मतलब जितने भी, मतलब मॉडर्न समझ लो आप नॉन ट्रेडिशनल का मतलब, सारी चीजें मिक्स हुई थी कि जो जो इंपॉर्टेंट लॉज है उनको कंबाइन किया गया था इसके अंदर, कि हम नए तरीके से भी ट्रेडमार्क को चलाएंगे एक्ट को, और पुराने लॉज जो इम्पोर्टेंट है उनको भी रखेंगे। सो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एम्स टू प्रोटेक्ट ट्रेडमार्क यूजर्स, डिफाइन इन्फ्रिंजमेंट एंड प्रोवाइड लीगल रेमेडीज इंक्लूडिंग पुलिस अरेस्ट पावर्स। इट ऑल्सो एक्सटेंड्स रजिस्ट्रेशन ड्यूरेशन एंड कवर नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हमारे टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स में, और ये पहला एग्जाम्पल है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स में जो है वो है कलेक्टिव ट्रेडमार्क, और मैंने आपको समझाने से पहले सीधा पिक्चर दिखा दी है कि कलेक्टिव ट्रेडमार्क कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं ये किसी भी ना एक सिर्फ बिजनेस में तो यूज हो रहा है, बट ये ना किसी भी ना एक उसका नहीं हो सकता, एक इंडिविजुअल का नहीं हो सकता, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्रुप्स का होता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम। कलेक्टिव मार्क, अ कलेक्टिव मार्क इज लाइक ए स्पेशल बैंडेज दैट शोज समवन इज अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। तो क्या होता है, ये सिंप्लीफाई करता है, सॉरी सिग्निफाई करता है, बताता है कि ना एक कोई पर्सन जो वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी एक ग्रुप का मार्क है। ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मार्क है जिसके ना जिसमें कई लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और उनका एक कॉमन गोल है। ठीक है, लाइक बींग पार्ट ऑफ अ सर्टेन प्रोफेशन और बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर एसोसिएशन। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, एक ग्रुप है जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, एंड दे हैव अ स्पेशल लोगो और टाइटल, उनका एक स्पेशल लोगो है और टाइटल है जैसे सीए। नाउ इंडिविजुअल अकाउंटेंट हु आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप कैन यूज दिस सीए। अब जो एक एक इंडिविजुअल पर्सन है ना उस ग्रुप का जो पार्ट है वो उस लोगो को यूज कर सकता है, उस टाइटल को यूज कर सकता है, जो उनका लोगो है ना सीए उसको यूज कर सकता है कि वो अपने, क्योंकि वो एक, मतलब ये दिखाने के लिए कि वो एक रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, वो इस रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। तो आप एक तरीके से ये आपकी आइडेंटिटी हो गई कि फ्रॉम वेयर यू आर, लाइक वेयर यू आर वर्किंग एंड फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, जहां से पे आप काम कर रहे हो उस जगह की कोई आइडेंटिटी, और वही आइडेंटिटी आपको भी पहचान दे रही है। सो दिस कलेक्टिव मार्क हेल्प्स कस्टमर और क्लाइंट्स टू आइडेंटिफाई दैट द पर्सन ऑफरिंग सर्विस इज एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर ग्रुप। तो इससे क्या होता है, लोगों को ये पता चलता है कि ये पर्सन जो हमें सर्विस ऑफर कर रहा है वो इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। एक तरीके से ये स्टैम्प हो गई, अप्रूवल हो गई, जो शो करती है, कुछ स्टैंडर्ड सेट करती है एक ग्रुप के, यानी कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी झलकता है इसके अंदर। दिस वे पीपल कैन ट्रस्ट, पीपल ट्रस्ट, लोग ट्रस्ट कर सकते हैं आपके ऊपर कि दे आर वेरी प्रोफेशनल, वो अपनी आइडेंटिटी को अपने साथ लेके चल रहे हैं, हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हम देख सकते हैं। कहते हैं ना कोई बहुत बड़ा अगर कोई बिजनेस हो तो उसका नाम ही काफी होता है, तो अगर कोई बड़ा बिजनेस है, कोई बड़ी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कोई बड़ा ग्रुप है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें क्या होता है,
इट डिपेंड्स कि आप अगर आप उसका लोगो ही साथ लेके चल रहे हो तो आप पे इजीली लोग ट्रस्ट कर पाते हैं, और अगर आप छोटे फॉर्म्स में या छोटी किसी काम जगह पे भी काम कर रहे हो तो लोगो होता है साथ में, तो लोगों को ये डाउट नहीं रहता कि कोई लोकल पर्सन है, उनको पता रहता है कि हाँ एक अच्छी जगह से पर्सन आया है आइडेंटिटी मार्क के साथ। तो कलेक्टर मार्क्स जो है वो हेल्प करते हैं कस्टमर और क्लाइंट्स की कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि जो पर्सन उनको सर्विस ऑफर कर रहा है वो किस ग्रुप से, पर्टिकुलर ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है। इट्स लाइक अ स्टैम्प और अप्रूवल, ये एक तरीके का स्टैम्प है, अप्रूवल है जो शो करता है लाइक दैट शोज दे मीट सर्टेन स्टैंडर्ड सेट बाय द ग्रुप। ठीक है, एक तरीके से आइडेंटिकल मार्क समझ लो आप, उनका ग्रुप का पूरा स्टैम्प समझ लो आप जो उनके ऊपर लगा दी जाती है कि ये पर्सन हमारे ग्रुप से बिलोंग करता है। और इससे क्या होता है कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो भी बिल्ट हो जाता है कि उन्हें लगता है पर्सन लोकली कहीं से नहीं आया, अच्छे ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग सर्विस मार्क। अब आता है सर्विस मार्क। सर्विस मार्क आप देख लो, ये एग्जाम्पल है। सर्विस मार्क आर लाइक सिंबल, या तो वो सिंबल हो सकते हैं, नेम के फॉर्म में हो सकते हैं, और साइन हो सकते हैं, जो एक बिजनेस है यूज करता है अपनी सर्विसेज देते टाइम शो करता है। ठीक है, सर्विस देने के लिए शो करता है वो। ठीक है, ऑफर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अनलाइक ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क से डिफरेंट होता है सर्विस मार्क। ट्रेडमार्क होता है प्रोडक्ट्स के लिए, जब प्रोडक्ट्स एक बिजनेस बेचता है ना तो वो ट्रेडमार्क यूज करता है, और कोई बिजनेस सर्विसेज बेच रहा है तो वो सर्विस मार्क यूज करेगा स्पेसिफिकली फॉर सर्विसेज। आप नाम से ही समझ जाओ। अब एग्जाम्पल है, जैसे आप ना वेकेशन प्लान कर रहे हो एंड यू सी योर लोगो, आप एक लोगो देखते हो होटल चेन का। ठीक है, पूरी होटल चेन का आप लोगो देख रहे हो, सो दैट लोगो इज द सर्विस मार्क। तो वो लोगो क्या है, सर्विस मार्क्स है, वो हेल्प कर रहा है आपके रिकग्नाइज करने में पर्टिकुलर होटल्स और उसकी सर्विसेज जो वो होटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अकोमोडेशंस, डाइनिंग ऑप्शंस एंड अमेनिटीज। अब ऐसे ही आप समझो कि आप किसी थीम पार्क में जा रहे हो, वहां पे आपने लोगो देखा या नाम देखा उस पार्क का और उसके सर्विस मार्क के साथ, तो क्या कहते हैं, तो वो भी क्या बता रहा है आपको कि वो उसकी एंटरटेनमेंट सर्विसेज है, उनको प्रॉमिस कर रहा है वो उस सर्विस मार्क से कि जो पीपल जो है, जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो उस पार्क की तरफ, देखे उस चीज को। इवन अगर आप जैसे देखोगे यू आर लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प मैनेज योर मनी, आप ढूंढ रहे हो कोई पर्सन जो आपके मनी को मैनेज करे या फिर आपको स्पीड रीडिंग लेसन प्रोवाइड करे, तो लोगोज और जो नेम होंगे वो उस बिजनेस के सर्विस मार्क्स होंगे जिससे आप उस बिजनेस को पहचानोगे कि ये जो है ये हमें वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। इन एवरीडे लाइफ ऑल्सो हम सर्विस मार्क को हर जगह देखते हैं अपने आसपास, अगर हम ऑब्जर्व करें तो दे आर लाइक लिटिल सिंबल्स दैट से दिस इज अस, ये हम है और आप हमसे सर्विस ले सकते हैं, हम ये वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यू कैन टेक आर हेल्प, यू कैन टेक आर सर्विस। नाउ वी कम टू ट्रेड ड्रेस। सो ट्रेड ड्रेस आप मेरे सामने एक एग्जाम्पल देख पा रहे हो, ये कोको कोला की बॉटल है और एक तरीके से इसका पूरा जो कलर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और जिस तरीके से ये बॉटल की शेप है आप ये देख सकते हो, इसका साइज हो गया, मतलब साइज तो हम पर्टिकुलरली नहीं कह सकते, वो किसी भी बॉटल का हो सकता है, ये जो शेप है इसकी, राइट। तो ये एक तरीके का इसका ट्रेड ड्रेस हो गया आइडेंटिकल, जिससे हम इस बॉटल को ना बिना इसके, बिना इसकी रैपर के भी इतनी आइडेंटिकल हो जाएगी इसकी शेप की वजह से कि हम इसे पहचान सकते हैं, राइट। तो यही ट्रेड ड्रेस होती है, आगे इसको समझ लेते हैं हम। ट्रेड ड्रेस जो है वो रेफर करती है एक विजुअल अपियरेंस कि एक प्रोडक्ट किस तरीके का अपियर हो रहा है, उसका डिजाइन एलिमेंट क्या है, उस प्रोडक्ट का डिजाइन क्या है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि जो बॉटल है उसके थ्रू आपको समझाया है मैंने, उसकी पैकेजिंग क्या है और उसकी बिल्डिंग दैट हेल्प्स कस्टमर टू रिकोगनाइज वेदर द प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम, वो प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है। इट लाइक द यूनिक आउटपुट, ये एक तरीके का यूनिक आउटपुट है उस प्रोडक्ट के लिए। जैसे आपका कोई फ्रेंड है जिसको आपको भीड़ में पहचानना है, आपके फ्रेंड आपको बता रहा है कि आई एम वेयरिंग अ येलो कलर आउटफिट, आई एम वेयरिंग येलो पैंट्स और समथिंग लाइक दैट, कि येलो टॉप पहना हुआ है, मैंने ब्लैक जीन्स डाली हुई है, तो आप उसे पहचान पाओगे, तो वो उसकी आइडेंटिटिकल जो उसने अपनी बताई है वो ट्रेड ड्रेस हो गई उसकी। आई एम नॉट टेलिंग दिस एग्जाम्पल ऑफिशियली, मैं आपको लाइटली एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की भी ट्रेड ड्रेस होती है, ताकि वो उस प्रोडक्ट की सारे प्रोडक्ट से कुछ एक अलग तरीके की इमेज हो। एग्जाम्पल क्या है, आप एक फेमस फास्ट फूड चेन है उसके बारे में सोचिए, विद इट्स गोल्डन आर्च लोगो एंड रेड एंड येलो कलर स्कीम, तो
तो उसके लोगो और उसके कलर स्कीम से आप उसको पहचान पाएंगे, ठीक है? सो सी दीज कलर्स एंड लोगोज ऑन अ साइन और पैकेजिंग, यू इमिजिएटली नो इट्स फ्रॉम दैट स्पेसिफिक रेस्टोरेंट। तो आपको उसके उस लोगो से, कलर से, इससे एकदम से पता चल जाएगा कि वो उसी रेस्टोरेंट से वो फूड आया है। तो उसे कहते हैं हम ट्रेड ड्रेस, या फिर हम उससे ब्रांड रिकॉग्निशन भी समझ सकते हैं। तो ये कस्टमर को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में प्रोडक्ट्स की। ट्रेड ड्रेस क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि शेप हो गया प्रोडक्ट का, उसकी पैकेजिंग हो गई और डिजाइन, मतलब पैकेजिंग डिजाइन हो गया, कलर जो यूज कर रहा है वो ब्रांड, और उसका लेआउट हो गया। जैसे मैंने अभी कोका कोला की बॉटल का एग्जांपल लिया ही था, थिंग्स अबाउट द डिस्टिंक्ट शेप। उसकी शेप की बात करें तो आइकॉनिक एक टिफनी ब्लू बॉक्स पैकेजिंग, तो मतलब हर तरीके से हम समझ सकते हैं एक प्रोडक्ट को कि वो जिस शेप से और जिस कलर्स का वो ले रखा है, उस प्रोडक्ट ने एक तरीका ले रखा है, उसका आइडेंटिटी होता है, उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, उसी से हमारे माइंड में बैठ जाता है कि ये प्रोडक्ट तो, ये तो उस वाली कंपनी का प्रोडक्ट है या फिर ये वो वाला प्रोडक्ट है, वहां से आया है। सो ट्रेड ड्रेस इज ऑल अबाउट द ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ अ ब्रांड दैट हेल्प्स कंज्यूमर टू रिकॉग्नाइज एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर्स। इट इज जस्ट लाइक अ ब्रांड सिग्नेचर स्टाइल जो इसे बाकी ब्रांड से अलग बनाता है मार्केट प्लेस में और इसकी वैल्यू बढ़ाता है। नाउ कम्स सर्टिफिकेशन मार्क। अब सर्टिफिकेशन मार्क को हम अच्छे से समझ लेते हैं, या आप एक बार पिक्चर देख लीजिए। सर्टिफिकेशन मार्क ना एक तरीके से गारंटी मार्क होता है, या आप मतलब मैं बस एक अनऑफिशियल लैंग्वेज में से गारंटी मार्क बोल रही हूँ, एक तरीके की स्टैम्प होती है और एक अप्रूवल होता है जो कुछ ना सर्टेन क्वालिटी टेस्ट होते हैं ना उसको बताता है कि हमने इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक किया, ये प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, टेस्टेड प्रोडक्ट है, आप इसे यूज कर सकते हैं, वेरीफाइड प्रोडक्ट है, ठीक है? तो उसमें हम सर्टिफिकेशन मार्क चेक करते हैं। सर्टिफिकेशन मार्क यही सिंबलाइज करता है, इट्स वे फॉर कंज्यूमर टू ट्रस्ट द प्रोडक्ट और सर्विसेज, सर्विस मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया सेट बाय एन अथॉरिटी। अब इसको और इजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपको कोई ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बाय करना है और आप उसके अंदर उसमें पैकेजिंग पे लोगो देखते हैं जो बता जिस जो और लोगो है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक का, जिसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है हमने टेस्ट कर लिया है, पूरा ऑर्गेनिक है, आप इसे यूज कर सकते हैं, ये अच्छे से चेक किया गया है और कंफर्म किया गया है, तो आप उस मतलब कि वो ऑर्गेनिक केमिकल से फ्री है, तो आप उस प्रोडक्ट को आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मार्क होगा ना, दिस विल हेल्प यू टू ट्रस्ट ऑन दैट प्रोडक्ट। ऐसे ही आप यूएल का मार्क समझ लीजिए। यूएल यूएल स्टैंड फॉर अंडर राइटर्स लेबोरेटरीज फॉर सेफ्टी एंड क्वालिटी। इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक तरीके का सर्टिफाइड मार्क है जो ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए यूज होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप खरीदने वाले हैं वो सेफ है और वो टेस्टेड है। एक क्वालिटी मार्क होते हैं बेसिकली, सर्टिफाइड मार्क्स को हम ये भी कह सकते हैं क्वालिटी मार्क्स, की जो क्वालिटी बताते हैं किसी सामान की, ठीक है? सो यूएल मार्क यू कैन ट्रस्ट दैट द प्रोडक्ट मीट सर्टेन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सो सर्टिफिकेशन मार्क्स जो है वो हेल्प करते हैं कंज्यूमर को कि वो चॉइस बना सके, वो किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर ट्रस्ट करना चाहते हैं वो ट्रस्ट कर सके, वो क्वालिटी वाइज उसको अगर देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे वो प्रोडक्ट की बात हो रही हो या फिर सर्विस की बात हो रही हो, दोनों में सर्टिफाइड मार्क यूज होते हैं। मैं एक बार फिर से एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आपको, सर्टिफाइड मार्क के एग्जाम्पल है। नाउ कम्स डेजिग्नेशन ऑफ ट्रेडमार्क। सो आप ये अच्छे से देख लीजिए, डेजिग्नेशन ऑफ ट्रेडमार्क, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो डेजिग्नेशन ऑफ ट्रेडमार्क में क्या होता है, पहला है मतलब ये जो है गुड्स और सर्विसेज के लिए यूज होता है, और अब इसमें पहला है टीएम, ठीक है? ट्रेडमार्क सिंबल, जो टीएम जो है वो ट्रेडमार्क सिंबल है, ट्रेडमार्क यानी सर्विस सॉरी प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है ये ट्रेडमार्क सिंबल, ठीक है? एक तरीके का लेबल है जो बोलता है कि ये हमारा ब्रांड है, और अनरजिस्टर्ड होता है ये, लेकिन फिर भी एक ना यूनिक में शो करता है कि हमारा ब्रांड है, सेल्फ मेड ब्रांड है हमारा, मतलब कि यूनिक ब्रांड है या फिर यूनिक नाम है हमारा। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, इफ अ स्मॉल लोकल बेकरी यूज द नेम, अगर एक स्मॉल लोकल बेकरी है वो नाम यूज कर रही है स्वीट डिलाइट, और वो टीएम का मार्क भी साथ में डाल दी है, तो इस बेक उसका क्या मतलब है कि फॉर इट्स बेक फॉर इट्स बेक्ड गुड एंड दे कैन पुट द टीएम सिंबल नेक्स्ट टू देयर नेम टू इंडिकेट
दैट इट्स देयर यूनिक ब्रांड, वो इंडिकेट कर रही है कि हमारा यूनिक ब्रांड है. अब आ जाता है एसएफ, ये होता है अनरजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए. जैसे कि ये ट्रेडमार्क सारे रूल्स ट्रेडमार्क वाले टीएम वाले मार्क के सिमिलर है, बस इतना डिफरेंस है कि ये सर्विसेज के अंदर डील कर रहा है. दिस सिंबल एसएम इज सिमिलर टू ट्रेडमार्क सिंबल, इट इज यूज फॉर अनरजिस्टर्ड सर्विसेज मार्क इंस्टेड ऑफ गुड्स, क्योंकि सर्विस मार्क है तो गुड्स के लिए यूज नहीं होगा, वो सर्विसेज के लिए यूज होगा. ठीक है, पर्टिकुलर नेम और सिंबल रिप्रेजेंटेड देयर सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ट्यूटरिंग सेंटर यूज द नेम मैथ विजर्ड्स एसएम to promote their tutoring service, so they can use the SM symbol to show that it's their service mark. तो वो symbol को use करके ये show कर सकते हैं SML कि ये उनका service mark है, ये उनका एक unique service mark है. Then comes registered symbol. अब registered symbol होता है जो registered होता है, trade ऐसा trademark जो कि registered होता है, उसके आगे क्या लग जाता है, R लग जाता है इस तरीके से छोटे में, ऐसे करके ऐसे. मतलब इन द स्ट्रेट फॉर्म ऐसे. सो रजिस्टर विद द रेलिवेंट गवर्नमेंट, मतलब कि आपने रजिस्ट्रेशन करा रखी है अपने सिंबल की, उसे प्रोटेक्ट करवा रखा है एक रेलिवेंट अथॉरिटी या रेलिवेंट गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि हो गया यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. ठीक है, तो जब आप उस सिंबल को देखेंगे, उस लोगों को देखेंगे, तो वो लोगों को इंडिकेट करेगा कि वो लीगली प्रोटेक्टेड है और एक रजिस्टर्ड ऑनर के साथ उस, मतलब वो लोगो प्रोटेक्टेड है. जैसे एग्जांपल है नाइक स्वोश लोगो, इस स्वोश लोगो इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑन नाइक कंपनी. तो आप ये देख सकते हैं इस लोगो के साथ रजिस्टर्ड का ट्रेडमार्क है, विच मीन्स दैट इट इज लीगली प्रोटेक्टेड, यू कैन नॉट यूज इट, यू कैन नॉट स्टील इट. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब आते हैं आगे, लेट्स डिस्कस द यूजेस ऑफ ट्रेडमार्क. तो ट्रेडमार्क के क्या क्या यूजेस होते हैं, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन के काम आता है. कोई भी ब्रांड का किसी भी चीज का लोगो होगा, ट्रेडमार्क होगा उसका, तो हम बहुत इजीली उस ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. जैसे कि व्हेन यू सी अ गोल्डन आर्च एट मैकडॉनल्ड्स और द एप्पल लोगो, तो आपको उसी टाइम उस पता चल जाता है कि किस ब्रांड का लोगो है, तो आपको उसी टाइम रिकॉग्निशन हो जाता है. देन कम्स ब्रांड रिकॉग्निशन, इट इज इजी हम ट्रेडमार्क के थ्रू ब्रांड को याद रखने में. ठीक है ना, कहते हैं ना कलर साइकोलॉजी, सिंबल, ये सब चीजें हमारे माइंड में बहुत जल्दी हम लर्न कर पाते हैं, तो बहुत जल्दी हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उस ब्रांड को. जैसे हम देखते हैं कि ना एक स्लोगन हो गया, आई एम लविंग इट, इंस्टेंटली ब्रिंग्स मैकडॉनल्ड्स टू माइंड. जैसे कोई भी ये स्लोगन बोलेगा तो आपको एकदम से याद आ जाएगा ये तो मैकडॉनल्ड्स का स्लोगन है. तो इससे क्या होता है कि हमें याद रहती है वो चीजें और आपका बिजनेस जो है वो एकदम मार्केट में एक अच्छे लेवल पे स्टैंड हो जाता है, एकदम अलग तरीके से दिखता है. देन प्रोटेक्शन, जो ट्रेडमार्क है वो प्रोटेक्शन ग्रांट करता है कि कोई भी उनके सिंबल्स लोगों को चुरा नहीं सकता, खुद यूज नहीं कर सकता, बेसिकली उनकी गुडविल को नहीं चुरा सकता इस हिसाब से. दूसरा लीगल राइट्स, कुछ लीगल प्रोटेक्शन होती है तो लीगल राइट्स भी दिए जाते हैं. जो ओनर होता है ट्रेडमार्क का, जिसने ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया होता है, उसके पास लीगल राइट्स होते हैं कि वो किसी को स्यू कर सकता है और कोई भी उस ट्रेडमार्क की कॉपी करता है या फिर कुछ भी गलत करता है, कुछ इलीगल एक्शन लेता है उसके उससे. तो देन कम्स ओनरशिप राइट्स. अब ओनरशिप राइट्स को समझ लेते हैं. ओनरशिप राइट्स किसके पास होंगे, जो ट्रेडमार्क का ओनर होगा, जिसने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराया होगा. इट कैन द पर्सन कैन बी द बिजनेस ओनर ऑल्सो जिसका ट्रेडमार्क है या फिर सर्विस, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली. तो अंडर सेक्शन 28 ऑफ द ट्रेडमार्क लॉ, रजिस्ट्रेशन कन्फर्स सर्टेन राइट्स टू द ओनर. दीज राइट्स इंक्लूड एक्सक्लूसिव यूज. द रजिस्टर्ड ओनर हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द ट्रेडमार्क इन कनेक्शन विद द गुड्स एंड सर्विसेज. तो उसके पास ही एक्सक्लूसिव राइट होते हैं, हर तरीके के राइट होते हैं अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करके रखने का, उसको कैसे भी यूज करने का. दिस मीन्स दे हैव द सोल अथॉरिटी, वो एक सोल अथॉरिटी है उसके पास उस ट्रेडमार्क को प्रोडक्ट्स के अंदर, अपनी सर्विसेज के अंदर यूज करने की और मार्केट में उसको एक अलग ही मुकाम पे लेके जाने की. देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्रेंचमेंट, की इससे क्या होता है कि कोई आपके ट्रेडमार्क के साथ कुछ गलत ना करे, कोई गलत तरीके से यूज ना करे उसको. तो इसके थ्रू ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्ट्रेशन के थ्रू ओनरशिप के पास, ओनर के पास ये राइट होता है कि उसे प्रोटेक्शन मिलती है कोई भी इन्फ्रेंचमेंट से. जैसे एग्जाम्पल है कि एक ट्रेडमार्क है नाइक का फॉर एथलेटिक अपेरल. नाइक एज द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ दिस ट्रेडमार्क हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द नाइक नेम. अब रजिस्टर्ड ओनर के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो नाइक का जो वो ट्रेडमार्क है यूज कर सकते हैं, नाइक नेम एंड लोगो ऑन देयर प्रोडक्ट. वो नाइक का नेम और लोगो अपने प्रोडक्ट्स में यूज करता है क्योंकि वो तो है नाइक का ओनर. सो इफ अनदर कंपनी वर यूज, अगर कोई और कंपनी नाइक का नेम या लोगो यूज करेगी और वो भी ओनर की परमिशन के बिना, तो उसके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है. ठीक है,
देन ओनरशिप राइट्स ऑफ ट्रेडमार्क में एडिशनली इफ देयर आर मल्टीपल ओनर्स ऑफ सिमिलर, अगर किसी एक ट्रेडमार्क के मल्टीपल ओनर्स है तो उन ओनर्स के पास राइट्स होते हैं, सभी के पास सेम राइट्स होते हैं, बट हो सकता है कि कुछ कंडीशंस इम्पोज हो, ठीक है, किसकी लाइक मे बी सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, और कोई लिमिटेशन हो सकती है जब वो रजिस्ट्रेशन में एंटर करेंगे तब वो इम्पोज हो सकती है उनके ऊपर, वो डिपेंड करता है क्या कंडीशंस होंगी डिपेंडिंग ऑन द नेचर. सो इंश्योर दैट ईच ओनर कैन प्रोटेक्ट देयर ट्रेडमार्क, तो कंडीशंस के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि हर ओनर अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट कर पाए बिना इंटरफेरेंस के किसी दूसरी पार्टी के. So that's it in this video. I hope आपको वीडियो समझ आई होगी. अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू.